एवरीवन, दिस इज वजीहा और आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है काबली पुलाव। आप सबको पता है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग कर रहा है, मगर इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग गोइंग ऑन टेलीविजन राइट नाउ, बिलीव मी। ये ड्रामे की खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बात क्या है, नहीं वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो सभी बारबीना और हाजी मुश्ताक की लव स्टोरी नहीं है। मेरे हिसाब से इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत बात है रिश्तों का तकद्दस, रिश्तों का एहतराम, और वो ही इस चीज मुझे बार 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 इस ड्रामे की तरफ खींच के लेके चली जाती है। किस तरह से बड़ों को अहमियत दी जाती है, उनकी वैल्यू की जाती है, उनकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनके होने को, उनके वजूद को अहमियत दी जाती है, उनकी कुर्बानियों को अहमियत दी जाती है, कि जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने लाइफ में अपने छोटों के लिए किए, कि इवेंचुअली वो उसको रिगार्ड कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम देखते हैं कयूम किस तरह अपने बड़े भाई का आके माथा चूमता है, उनको एक तरह से रिगार्ड करता है कि आपने हमारे लिए जो कुछ आज तक करा, हमारे लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हम वो समझते हैं, और इवेंचुअली जब आज आप पर मुश्किल वक्त आया तो हम आपके साइड पे खड़े हैं। हालांकि हाजी मुश्ताक उसको कहता है कि ये सफर आसान नहीं होगा, यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन द वे, बट वो कईयों कहता है हम तैयार हैं, आपने भी हमारे लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं, हजारों सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सी जगहों पे अपना दिल मारा है, तो आज अगर हमें उसके लिए चंद तकलीफें उठानी पड़ेंगी तो हम उसके लिए राजी हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। देखें ये है हमारी असली हकीकत, ये है हमारे माशरे की असली हकीकत जो ड्रामे में दिखाई गई है, रिश्तों की हकीकत, कैसे हम बड़ों का एहतराम करते हैं, उनकी राय को हम जानते हैं। अगर बड़े से कोई गलती हो जाती है तो छोटे उस पर अकड़ के नहीं बैठ जाते, और बड़े को शर्मिंदा करना अपना फर्ज नहीं करते। यहाँ पे मुझे आई जस्ट लव द वे कि कितनी पॉजिटिविटी है, मतलब कोई भी एक दूसरे को लड़ नहीं रहा। बड़ी भाव वो कयूम की वाइफ जो है वो बारबीना को लेके कोई अपने दिल में कोई ग्रचेज नहीं रख रही, कोई उसका बहनों वाला एटीट्यूड है। वो बारबीना के पास जाती है, उसे कहती है कि हमारा रिश्ता ऑल्दो तब्दील हो गया, लेकिन मुझे तुम अपनी बहन समझो, तुम मुझे बाजी बोलो, मैं तुम्हें बारबीना बोलूंगी, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो रिश्ते में। बेशक तुम, मेरा रिश्ता मुझसे बड़ा है, मगर तुम उम्र में छोटी हो, मुझे अपनी छोटी बहनों की इतना अजीज हो। मुझे बस ये बहुत पसंद आ रहा है कि हमारे ड्रामों में वो जो एक स्टार्टलेस वाला फील आ गया था ना, वो इंडियन, जिसमें हम ओवर ड्रामेटिक हो रहे थे और हम चीजों को अननेसेसरी ऐड कर रहे थे, वहां वो सब चीजें नहीं है। हाजी मुश्ताक की बहन जो हमें दिखाई गई है वो नाराज है अपने भाई से, जाहिर सी बात है उसका घर टूट रहा है तो वो अपने भाई से नाराज है, वो उस तरह से सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन वो फिर भी अपने भाई की रिस्पेक्ट कर रही है, उसने रिस्पेक्ट का दामन नहीं छोड़ा है। और भाई की केयर का आलम ये देखेंगे जिस वक्त माइयों की तकरीबात चल रही है और सब बिजी है, वो कोने पे खड़ी हुई अपनी बहन को देख रहा है कि मेरी बहन इस सारी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो इस तरह से हिस्सा नहीं ले रही, और वो जाता है उसको कंसोल करता है, फिर वेरी नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड के पास जाता है, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो वो बंदा अभी तक नहीं माना, बट दे ऑल समहाउ मैनेज टू कन्विंस हिम, क्योंकि स्टोरी में ये मेन एलिमेंट नहीं होने वाला, उसमें कुछ बड़े मेजर ट्विस्ट अभी आने वाला है, वी ऑल नो व्हाट्स दैट। उसके कुछ उन्होंने झलकियां दिखाना शुरू कर दी है कि बारबीना इज रिकॉलिंग हर पास्ट अगेन एंड अगेन, और वो बारान को याद कर रही है, हर एक मोमेंट को याद कर रही है, क्योंकि उसने कहा अपनी नंद को कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दो ही मर्द हैं, एक जिससे मैंने मोहब्बत की वो बारान, और दूसरा जिसकी मैंने बेनतहाशा इज्जत की और एहतराम करा वो है हाजी मुश्ताक, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई तीसरा मर्द नहीं। मतलब आप जुमले देखें, आपको जुमले देख लें, डायलॉग्स हो गए उनके, करेक्टर्स एक्टिंग्स हो गई, दे ऑल आर डन अ फिनोमिनल जॉब। कोई वर्ड्स नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए। एक्टिंग की बात करूं तो बड़े से लेके छोटा हर कोई वो हर कोई परफेक्ट कास्टिंग है, बिल्कुल मोतियों, जिस तरह कहते हैं ना मोती की लड़ी में एक एक मोती समोया हुआ, इस तरह से कास्टिंग हुई है। आप किसी एक सिंगल बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसमें फला बंदे ने ये किया, इसमें इसने ये किया, दे हैव ऑल डन अ फैबुलस जॉब। अच्छा, कमिंग बैक टू शमीम, शमीम का करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुझे जो है वो आई जस्ट डोंट गेट इट कि वो उसका जो करेक्टर है ना, उसकी जो चाह है कि हाजी मुश्ताक की दुल्हन बनने की, उसको पता है कि बारबीना से शादी हो गई है, फिर भी वो आयशा को कहती है कि मुझे वो ड्रेस ला दो जो हाजी मुश्ताक की दुल्हन के लिए बना था। हाँ, वो बारबीना की उतरन पहनने को तैयार है, मगर वो मोहब्बत जो है ना उसको मजबूर कर रही है कि किसी तरह से वो जोड़ा वो पहन सके, उसके तन पे सज सके वो जोड़ा जो हाजी मुश्ताक की दुल्हन के लिए बना। आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स कि वो कितना पेन है, वो कितनी तकलीफ से वो गुजर रही होगी इस वक्त। अच्छा, इफ़ यू हैवंट वॉच दिस ड्रामा सीरियल येट तो प्लीज गो एंड वॉच इट ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट। मैं फिर वही कहूँगी, दिस इज मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रामा गोइंग ऑन टेलीविजन राइट नाउ, जिसमें स्टोरी भी है, जिसमें पॉजिटिविटी भी है, जिसमें कॉन्टेंट भी है, और आप फजूल में फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते।
पूरा बैकड्रॉप, पूरा बैकग्राउंड रियलिटी पे मबनी है, किस तरह के हमारे घर होते हैं। कोई उन्होंने फैंटेसाइज नहीं करा हुआ कि चीजें लड़ी हैं और पौधे और पेड़ लगा के उसको एक्स्ट्रा करा, वो नॉर्मल घर लिया और नॉर्मल सिचुएशंस दिखाई है, कैरेक्टर्स पे बात हो रही है, स्टोरी पे बात हो रही है। अच्छा, इफ यू वांट अस टू रिव्यू एनी मोर ड्रामास देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वाचिंग दिस स्पेस फॉर मोर ड्रामा रिव्यूज एंड मूवी अपडेट्स। थैंक यू।